तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय श्री राम। तो आज है मंगलवार और एज यूजुअल सुबह छत पे आए हैं। आज मौसम आज भी बहुत अच्छा है और मेरे सामने शहतूत का पेड़, पूरा शहतूत का पेड़ और हमारी कॉफ़ी है ना। देखिए कॉफ़ी आपको, ठीक है, कॉफ़ी वॉफी पी के। आज मंगलवार है तो जय बजरंगबली की मंदिर जाएंगे अभी, है ना। तो हर ट्यूसडे मंगलवार को मैं हर ट्यूसडे मंदिर जाता हूँ बजरंगबली के। तो बजरंगबली के मंदिर चलते हैं, बीच में आपको मैं रास्ते वस्ते नज़ारे वगैरह दिखाता हूँ और जो बजरंगबली का मंदिर है वो मंदिर भी आपको दिखाता हूँ। बहुत प्यारा मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है, अच्छी मान्यता है उसकी, है ना। यदि कोई भी ग्वालियर से मुझे देख रहा है तो 84 का मंदिर है ना, जो दतिया से पहले पड़ता है और सॉरी डबरा से पहले पड़ता है, तो वहाँ जाया कीजिए आप लोग। और हनुमान चालीसा रेगुलर बेसिस पे, मतलब हर ट्यूसडे को हर सैटरडे को पढ़ा कीजिए, अच्छा रहता है, नेगेटिव एनर्जी दूर रहती है ना। ठीक है गाइस, मिलते हैं आगे। चल तो दोस्तों, नहा धो के तैयार हो चुका हूँ, जा रहा हूँ मंदिर। ठीक है, मंदिर में मिलते हैं, चलो। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं हाईवे पे, मंदिर जाने के लिए तैयार हैं। मंदिर अभी यहाँ से बहुत ही कुछ ही दूरी पे है। चलो मैं आपको नज़ारे दिखाता हूँ एक बार, है ना। हाईवे पे हूँ मैं अभी अपनी गाड़ी पे, मैं आपको नज़ारे दिखाता हूँ यहाँ से। ठीक है, चलो। तो दोस्तों, ये है 84 के हनुमान जी का मंदिर, जो कि डबरा से कुछ ही किलोमीटर पहले पड़ता है और ग्वालियर से आई थिंक 25 किलोमीटर बाद पड़ता है ना। तो ये पूरा मंदिर है और ये मंदिर के आसपास के नज़ारे हैं, आप देख सकते हैं। सामने दुकानें उकानें हैं, प्रसाद वगैरह भी सामने मिलता है, पूरा अच्छा मंदिर है ये। आप लोग कभी यदि कोई भी आसपास रहता हो ग्वालियर के, तो बिल्कुल ज़रूर आएँ घूमने के लिए। जय श्री राम। तो गाइस, अभी पूजा कर ली है और अच्छे दर्शन कर लिए, चलते हैं घर की तरफ, है ना। घर की तरफ जा रहे हैं अभी हम, चलो। तो दोस्तों, मंदिर से आ गए पूजा करके और ये हमारी मम्मी राज बना है उपमा, आज उपमा खा रहे हैं। दे दो थोड़ा गाजर का चाय, दे दो उपमा के साथ में। गाजर का चाय कौन खाता है? दे दो थोड़ा, दो चार ले दो, थोड़ा दे दो। अरे नहीं, थोड़ा दे दो यार, आ जाओ। चलो नाश्ता करते हैं, आज उपमा खाएंगे। दोस्तों, आज मम्मी से पूछेंगे कि कैसा एक्सपीरियंस रहा मम्मी का, अकेले काम किया है सारा, नाश्ता आज पूरा खुद बनाया मम्मी ने और झाड़ू पोछा भी शायद मम्मी ने खुद ही किया आज, भाई आई नहीं थी शायद, मम्मी ने किया सारा काम नाम, है ना। चलो मम्मी से एक्सपीरियंस पूछते हैं और पूछते क्या कैसा क्या रहा, है ना। चलो देखो मम्मी से पूछते हैं। तो मम्मी, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस आज? आज आपने उपमा बनाया, झाड़ू पोछा भी आपने लगाया, कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? अकेले ही करना पड़ेगा ना, कोई और तो है नहीं। हाँ तो रख लो, लेके नहीं आते बहू को, चक्कर में पड़ो, नौकरा ही रख लो एक। नौकरा नहीं, चक्कर में बहू के पीछे क्यों पड़ी हो इतना? अरे
अभी उम्र नहीं है मेरी शादी करने की, अभी उतनी उम्र नहीं हुई है मेरी, ठीक है। हाँ बुढ़ापे में 60 साल का हो जाऊंगा तब। दोस्तों यार मम्मी शादी के पीछे लगी है, बहू ले आओ बहू ले आओ। कमेंट करके बताओ क्या बहू लानी चाहिए। वैसे मेरे को नहीं लगता लानी चाहिए, कोई काम नहीं होता बहुओं का। जो काम बहू कर सकती है वो एक काम नौकरानी भी कर सकती है, ठीक है। और क्या, झाड़ू पोछे लगाना है, खाना बनाना है। आओ। तो दोस्तों आज मौसम थोड़ा सा अजीब है यार, बहुत नींद नींद आई आज। तो पिछले 2 घंटे से सो रहा हूँ मैं, एक नैप बोल के सोया था, 2 घंटे से सो रहा हूँ। और यही सोफे पे सो गया था यार, ड्राइंग रूम में देखो आप, यही सोफे पे सो गया था यार मैं। अजीब सा मौसम है, थकान थकान आलस आलस जैसा मौसम है। ग्वालियर का मौसम बता रहा हूँ मैं आपको, ग्वालियर में बहुत थकान थकान और अजीब सा गर्म गर्म मौसम है यार, बहुत गर्मी है, मतलब हल्की हल्की गर्मी है, सुस्त सुस्त सा मौसम है। मैं डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा कैसा मौसम, बहुत टाइम वेस्ट हो गया इस नींद के चक्कर में, 4 बज गया। ठीक है, खाना पीना भी नहीं खाया यार, मैं खाना खा लेता हूँ फिर देखते हैं ना। जय हिंद जय श्री राम, बार बार बोलना चाहिए जय श्री राम, बोलने में कोई बुराई नहीं है, है ना। ठीक है, अभी तो मम्मी भी सो रही हैं यार, खाना भी नहीं बनाया, तो आज शायद वेज बिरयानी बनानी है या फिर कुछ भी, चावल मम्मी ने बोला था छोंक देना बस। ये जो आप पीछे पेंटिंग देख रहे हो ना, ये वाली पेंटिंग दिखाता हूँ, दिस वन, ये मेरी मम्मी ने बनाई है, ये पेंटिंग मम्मी ने बनाई है मेरी। मम्मी मेरी बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, पेंटिंग वगैरह बहुत अच्छा बनाती हैं। तो ठीक है, हम भी थोड़ा सा चावल वगैरह फ्राई कर लेते हैं, चावल और बिरयानी टाइप का, मतलब फ्राइड चावल जो भी ऐसा होता है ना, उस टाइप का छौंक लेते हैं। ठीक है दोस्तों, फाइनली टू माई किचन। ठीक है दोस्तों, चावल फ्राई करने के लिए पूरी पहले चीज़ें इकट्ठी कर लेता हूँ, प्रिपरेशन कर लेता हूँ पूरी। मैं सोच रहा हूँ कि पूरा बना दूँ तब आपको दिखाऊँ, या फिर बीच बीच में मैं आपको बताता जाऊँगा कि कैसे मैंने चावल बनाया है, ठीक है, क्या रेसिपी है। तो यदि आपको अच्छी लगे तो आप फॉलो करो उस रेसिपी को, बना के देखना एक बार, अच्छी लगे तो मेरे को कमेंट करके बताना कैसी लगी और क्या क्या उसमें कमी थी। स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, यदि मैं कवर कर पाऊंगा तो बताता हूँ आपको, नहीं तो डायरेक्ट मैं आपको चावल जो बन जाएंगे वो दिखा, ठीक है। ठीक है तो दोस्तों अब मैं अपना लंच कर रहा हूँ, जरा देखो जरा कि बिरयानी कम फ्राइड राइस है, जस्ट मैंने अभी बनाया है। और यूट्यूब पे मैं कुछ देख रहा हूँ, कुछ वेब सीरीज वगैरह आई है अभी नई TVF वगैरह की, ठीक है। चलो जल्दी से नाश्ता कंप्लीट कर लेते हैं, सॉरी लंच कंप्लीट कर लेते हैं। तो दोस्तों कैसे हो आप लोग, और शाम का वक्त है, शाम में आपका बहुत बहुत स्वागत है, और जय श्री राम दोस्तों, जय बजरंगबली की जय। आज ट्यूसडे है और चाय बना रहे हैं, चाय की तैयारी चल रही है। और कल हम लोग सोच रहे हैं कि कन्या खिलाते हैं, कन्याओं को खाना खिलाते हैं ना, भोजन कराते हैं, तो वो उसका कार्यक्रम है कल। तो मम्मी निमंत्रण देने के लिए गई है अभी सब लोगों को। और ये मेरा पुराना कैरम बोर्ड, बचपन में मैं खेलता था इसमें, आई थिंक 3rd या 4th class का मैं था जब तब खेलता था, है ना। तो हाँ मम्मी गई हैं निमंत्रण देने और हम बना रहे हैं चाय। तो ठीक है, शाम की शुरुआत करते हैं चाय से। जय हिंद जय श्री राम। तो ये हमारी चाय अभी गर्म हो रही है, थोड़ा सा सिम कर दिया था मैंने, इसको फुल कर लेंगे और जल्दी जल्दी गर्म करेंगे, पकाते हैं, खोलाते हैं चाय को, चाय पीते हैं दोस्तों। और चाय के साथ थोड़ा थोड़ा बिस्कुट हो जाए तो मज़ा आ जाएगा, है ना। तो शायद मम्मी बाहर से बिस्किट भी लेके आएंगी अभी, या फिर चिप्स वगैरह कुछ लेके आएंगे। आई मैं 100% श्योर हूँ कुछ ना कुछ तो लेके आएंगी, या तो बिस्किट लेके आएंगी या फिर चिप्स वगैरह कुछ लेके आएंगी, ठीक है। आ गई है मम्मी, देखता हूँ एक बार कि मैं गलत हूँ या सही हूँ। मम्मी कुछ तो मतलब चाय के साथ स्नैक्स तो खाती है मम्मी, तो एक बार देखता हूँ मम्मी लेके क्या आएंगे, ठीक है। चलो कुछ बस अरे क्या मैं सोचा था चाय के साथ कुछ लेके आऊंगी स्नैक्स वगैरह, अरे तो आज मैं गलत हो गया, मम्मी कुछ लेके ही नहीं आई, वैसे लेके आती है हर बार, पता नहीं क्यों आज लेके नहीं आई। चलो ठीक है फिर चाय पियेंगे अकेली। मम्मी को नींद आ रही है दोस्तों, गाइस मम्मी का बिस्कुट पहले से था मेरे पास बिस्कुट, इसीलिए काम चलाना पड़ेगा, बहू होती तो उसी बना बना के देती ना। एक ही टॉपिक पे बार बार बात मत करो पब्लिक, फिर मेरे को ताने देगी, ये माँ से काम करवाता है ऐसा माँ से काम करवाया तो चाय।
तो दोस्तों आज खाना खाने के बाद छत पे थोड़ा सा टहलने आया हूँ मैं, और ये स्ट्रीट लाइट जल रही है, आप देख रहे हैं ये पीछे, ये स्ट्रीट लाइट है, कितनी सही आ रही है। तो इस स्ट्रीट लाइट की वजह से देखो कितनी रोशनी हो रही है, मतलब दिन रात में भी इतना क्लियर व्यू आ रहा है, और ये अच्छा है, इसका एक थंबनेल डाल देंगे, ये अच्छा लग रहा है, ये सही लग रहा है ना, इतना बढ़िया व्यू आ रहा है यार, रात में मज़ा आता है खाना खाने का, थोड़ा टहलना चाहिए। आज बड़े दिनों बाद मैं खाना खा के छत पे टहलने आया हूँ, और ये हमारा सहतूत, अच्छा आपको दिखेगा ही नहीं, अभी रात हो चुकी है, तो ठीक है गाइस, गुड नाइट, ख्याल रखिए अपना, और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, है ना, और जय श्री राम, जय बजरंगबली, बाय बाय।